नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एचआरआई न्यूज पर। दोस्तों बड़ी खबर लेकर आए हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व जस्टिस ने लिखा है पीएम मोदी को खत, चेताया है तीनों कृषि कानून के मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है मामला, आपको इस वीडियो में पूरी खबर बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। काटजू ने यह पत्र दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लिखा है। पूर्व जज ने पीएम मोदी को आगाह किया है कि दिल्ली में हिंसा फैल सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। जस्टिस काटजू ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि किसानों की ओर से कोर्ट की कमेटी को ठुकराने के बाद सरकार को तुरंत यहां पर कानून वापस लेने चाहिए। इसके साथ ही पूर्व जज ने मांग की है कि इसके लिए एक हाई पावर किसान कमीशन का गठन करना चाहिए, जो कि तीनों ही कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के साथ बैठकर चर्चा करे, विचार विमर्श करे और जो भी किसान की सहमति से फैसला हो उसे लागू किया जाए। दोस्तों देख सकते हैं, पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक और जलियांवाला बाग हो सकता है। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आई थी किसान आंदोलन से संबंधित, आप लोगों ने जानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।